तो 2024 की महाजंग के लिए प्रधानमंत्री ने ब्रह्मास्त्र चल दिया और इस बार एम फैक्टर पर ही सियासी जंग होगी। एम यानी कि मोर्चाबंदी, एम यानी कि मुसलमान और विपक्ष बीजेपी के 1-to-1 टक्कर देने के लिए मोर्चेबंदी में जुटा है। बीजेपी ने यूसीसी और पसमांदा मुसलमानों का नया दांव चल दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिलकर के चलेंगे। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को। जो पसमंदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। दो हजार चौबीस की जंग का बिगुल बज चुका है। वोटों की गोलबंदी के लिए तलवारें म्यान से निकल चुकी हैं, दांव चले जा रहे हैं, साथी तलाशे जा रहे हैं, नए मोर्चे बनाए जा रहे हैं। 2024 की जंग में एम फैक्टर सबसे बड़ा दांव। विपक्ष मोर्चाबंदी में जुटा है, बीजेपी के खिलाफ वन सीट वन उम्मीदवार पर काम कर रहा है। पटना के बाद शिमला बैठक में कुछ दमदार करने की तैयारी है, तो बीजेपी हिंदू को साधने और मुसलमानों को बांटने के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। भोपाल में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक में पीएम ने इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाया। समान नागरिक संहिता कानून की वकालत कर हिंदू वोट साधा, तो पसमांदा मुसलमानों से अन्याय की बात कर मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का पासा फेंक दिया। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। बीजेपी ने एम फैक्टर पर काफी पहले से काम शुरू कर दिया था। सबका साथ सबका विकास सरकार का नारा है। पीएम ने मिस्र में मस्जिद का दौरा कर बड़ा संदेश दिया। भारत आते ही पसमांदा का मुद्दा उठाकर इसे आगे बढ़ाया। कर्नाटक हार के बाद बीजेपी जानती है कि अगर विपक्ष से सीधा मुकाबला हुआ तो एम फैक्टर बड़ा रोल निभाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री को सर्वधर्म संभाव याद आ गया, अल हकीम की मस्जिद गए, बिना जूते के अंदर गए, बहुत अच्छा है। मैं तो ये चाहती हूँ ऐसा ही सर्वधर्म संभाव मोदी जी हिंदुस्तान में भी दिखाएं, यहाँ पर भी किसी दरगाह मस्जिद में जाएं। यहाँ पर मौन हो जाते हैं, उनके लोग मस्जिदों पर जाकर अटैक करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई, किसी के हितैषी नहीं है। वो अपने स्वसुखाय के हितैषी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका से लौट कर आए, बड़ा भक्तों ने ताली बजाई, ढोल पीछे गए, नड्डा साहब का कोई काम ही नहीं, पक्के पहुंच जाते हैं, लेने भी पहुंच गए। मिला क्या अमेरिका में, ये हम जानना चाहते हैं। आज ये मिला कि एक पूर्व राष्ट्रपति आपको कॉल आउट कर रहा है, आज व्हाइट हाउस आपके भक्तों को कॉल आउट, आपकी आईटी सेल को कॉल आउट कर रहा है, ये आप अचीव करके। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने अपने परंपरागत वोट बैंक को और दुरुस्त करने पर पूरा जोर लगा दिया है। वीर सावरकर की जयंती पर नए संसद भवन का उद्घाटन हो या फिर दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदलना, शिवाजी को औरंगजेब के आगे खड़ा करना सबका अपना अपना संदेश है। विपक्ष भी मुसलमान वोट को साधने, मुस्लिम वोट के बंटवारे रोकने के मंथन में लगा है। पटना के बाद विपक्ष की शिमला के वादियों में बैठक है। पूरी कोशिश है कि हर दल त्याग कर बीजेपी के खिलाफ वन सीट उम्मीदवार के फॉर्मूले पर तैयार हो जाए। जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे, उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट,
और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे, एक मीटिंग हो जाएगा, तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। ये विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। ये बोलेंगे आप, हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे, और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। एम फैक्टर में मोर्चाबंदी भी है और मुसलमान भी। अब देखना है कि इन दोनों मोर्चों पर बाजी कौन मारता है। जाहिर है जिसके दांव चलेंगे 2024 के नतीजे भी वैसे ही दिखेंगे। दिल्ली से मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।